सो इंजीनियर्स, आज मैं लेके आऊँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं रिटेनिंग वॉल के बारे में। आखिर रिटेनिंग वॉल का काम क्या होता है, इसे कहाँ यूज किया जाता है और कितने तरह की ये रिटेनिंग वॉल होती है, ये पूरा डिटेल में हम लोग समझेंगे। तो चलिए हमारा ये वीडियो बिना किसी तरह का वक्त जाय किए शुरू करते हैं। तो मेरे पीछे इंजीनियर्स आप लोग देख रहे हो कि एक रिटेनिंग वॉल है। अब ये किस चीज को रिटेन कर रही है, ये रिटेन कर रही है इस अर्थन सॉइल को। इस अर्थन सॉइल को ये अपना एक्चुअल शेप लेने से रिटेन कर रही है, ठीक है। उसी के साथ साथ यहां पर आप लोग एक अगली इमेज देखोगे कि एक क्रॉस सेक्शनल ड्रॉइंग है रिटेनिंग वॉल की। यहां पर भी आप लोग देखोगे कि ये एक लाइन आप लोग को नजर आ रही होगी, ये भी यही दर्शा रही है कि ये एक तरीके से अर्थन सॉइल को रिटेन कर रही है। तो चलिए थोड़ा और अच्छे से समझते हैं रिटेनिंग वॉल के बारे में। नेसेसिटी ऑफ रिटेनिंग वॉल में हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि ये एक रिटेनिंग वॉल है ना। अब ये रिटेनिंग वॉल किसे रिटेन कर रही है, इस अर्थन स्टार्टर को। अब अर्थन स्टार्टर को रिटेन क्यों कर रही है, इसका कारण क्या है। जैसे कि अगर मुझे यहां पर कोई स्ट्रक्चर बनाना होता, हो सकता है कि यहां पर कोई स्ट्रीम जा रही होती, हो सकता है यहां पर कोई हाईवे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता, या फिर हाईवे होता, और या फिर यहां पर रेल लाइन होती, या फिर मतलब ट्रेन जाने वाली होती यहां से। तो अगर ये रिटेनिंग वॉल में यहां नहीं प्रोवाइड करता तो क्या होता, जैसे ही एटमोस्फियर चेंज होता, बारिश का मौसम आता, तो ये सीधा सॉइल इरोजन होता और ये मटेरियल जो है अपना शेप चेंज करते हुए सीधा यहां पर, अगर यहां हाईवे होता तो हाईवे पर गिर जाता, अगर यहां पर रेलवे ट्रैक्स होते तो रेलवे ट्रैक्स पर गिर जाता। तो इस मटेरियल को उस कंडीशन से रिटेन करने के लिए, सॉइल इरोजन से रोकने के लिए हम लोग रिटेनिंग वॉल को प्रोवाइड करते हैं, इसलिए भी इसे कहा जाता है रिटेनिंग वॉल। थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि ये एक हाईवे जा रहा है। अब ये हाईवे जा रहा है और इस हाईवे के ऊपर ही तरफ में आप लोग देखोगे तो एक माउंटेन क्लिफ है, मतलब एक माउंटेन है, एक पहाड़ है। अब ये जो पहाड़ है इसमें अर्थन सॉइल है। अब अगर हम लोग डायरेक्टली इसे ऐसे ही छोड़ देते तो क्या होता, जैसी बारिश का मौसम आता तो यहां से सॉइल इरोजन होना शुरू हो जाता। लेकिन इसे रोकना था तो इसे रोकने के लिए हम लोगों ने क्या प्रोवाइड की, रिटेनिंग वॉल, जो आप लोग यहां तक देख रहे हो। इस रिटेनिंग वॉल से हमें फायदा यह हुआ कि अगर यहां कितनी भी बारिश हो जाए, है ना, कितना भी एटमॉस्फेयर चेंज हो जाए, तो यहां से सॉइल इरोजन का जो खतरा है वो अब खत्म हो चुका है। इसलिए ये जो ट्रैफिक है ये आसानी से रन हो पा रहा है। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों को इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप लोग अपना प्रोफेशनल करियर शुरू करना चाहते हो या उसे बूस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए बिल्डिंग कॉप्स और हाईवे कॉप्स। अगर आप लोग ऑनलाइन ही जॉब करते हुए ही या घर में ही पढ़ना चाहते हैं और अपने करियर को और ज्यादा बूस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए ये दोनों कोर्सेस अवेलेबल है। और अगर आपके पास 2 महीने का समय है और आप लोग अपने लाइफ में वो 2 महीना इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप लोगों के लिए मैंने लेके आया है CTC, मतलब ऑफलाइन ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जहां पर आप लोग खुद साइट पर जाके सारी चीजों को समझेंगे और सीखेंगे जो खुद सिविल गुरुजी आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहा है। आप लोगों को क्या करना है, कॉल करना है 9111001234 पर। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ऑल ओवर इंडिया में, पैन इंडिया में हमारी ये सारी 18 ब्रांचेस अवेलेबल है। आप लोग अपनी नियरेस्ट ब्रांच में विजिट कीजिए, कॉल कीजिए 9111001234 पर, क्योंकि खुद के लिए खुद करना पड़ता है और कोई नहीं करता। चलिए और डिटेल में समझते हैं कि हमारे कितने तरह की रिटेनिंग वॉल के टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ रिटेनिंग वॉल, ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल होती है, ठीक है। उसी के साथ साथ हमारी कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल होती है, उसके बाद काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल होती है, और एक और इंपॉर्टेंट बात हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे जो कि है बट्रेस रिटेनिंग वॉल। ये सारी चीजें आज हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर अभी तक पेन कॉपी नहीं निकाली है तो निकाल लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आप लोगों के लिए। इसके बाद सबसे पहला हम लोग देखते हैं ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल। यहां पर आप लोगों को एक रिटेनिंग वॉल का छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। ये रिटेनिंग वॉल देख के समझिए कि ये रिटेनिंग वॉल है, जो अर्थन स्टार्टर को ये रिटेनिंग वॉल किस चीज से रिटेन कर रही है, खुद के सेल्फ वेट से। खुद के सेल्फ वेट से जब कोई वॉल, जब कोई रिटेनिंग वॉल उसे रेजिस्ट करती है, काउंटर करती है, रिटेन करती है, उसे कहा जाता है ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल। मतलब देखिए डेफिनेशन यही है इसकी कि अगर ये खुद के सेल्फ वेट से, मतलब इसका खुद का सेल्फ वेट है, हम लोगों ने इसे यहां पे लगा दिया है, और इस सेल्फ वेट की मदद से ये रिटेन कर रही है इस अर्थन स्टार्टर को, तो इसे कहा जाता है ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल। अगर मैं ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल की बात करूं तो ये कितने तरह से बनाई जाती है। सबसे पहले तो ये हेवी मटेरियल्स लाइक स्टोन्स, मतलब कि बड़े बड़े बोल्डर पत्थर से बनाई भी जाती है ये। उसी के साथ साथ ये कॉन्क्रीट से भी बनाई जाती है, और लास्ट में ये ब्रिक वर्क से भी बनाई जाती है। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को एक इमेज दिखाई थी, उसमें भी स्टोन मेसनरी का यूज किया गया था, वो भी एक जो थी ग्रेविटी वॉल ही थी, ठीक है।
आगे चलते हैं और हम लोग समझते हैं ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल को थोड़ा अलग तरीके से। यहां पर ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल आप देख रहे हो कि मुझे दिखाई दे रही है कि लगभग ब्रिक वर्क से बनाई गई है ना। अब ये जो रिटेनिंग वॉल है, ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल, यहां पर मुझे नजर आ रहा है कि लगभग स्टोन मेसनरी से बनाई गई है। ब्रिक का शेप है लेकिन है स्टोन मेसनरी। ये क्या कर रही है? ये अर्थन स्टार्टर है, इसे ये रेजिस्ट कर रही है, सेम काम इसे रिटेन कर रही है, इस मटेरियल को यहीं पर रिटेन कर रही है ताकि ये अपना शेप चेंज ना कर ले और आगे की तरफ ना आ जाए। तो इसका यही काम है रिटेनिंग वॉल का। आगे चलते हैं और हम लोग कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल को देखते हैं। अब इसके शेप से ही आप लोग समझ गए होंगे कि इसे कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल क्यों कहा जाता है। यहां पर आप लोगों को नजर आएगा कि इसमें एक स्टेम है, इसमें एक हील स्लैब है और इसमें एक टो स्लैब है। अब ये जो हमारा स्टेम है, ये जो स्टेम है ये रेजिस्ट करता है इस अर्थन स्टार्टा को ताकि ये आगे ना आ जाए। अब ये अगर सीधी ग्रेविटी वॉल में एकदम स्ट्रेट था, यहां पर हम लोगों ने स्लैब प्रोवाइड कर दिया है तो ये काउंटर करेगा। ये काउंटर क्या करेगा? ये बेंडिंग मूवमेंट काउंटर करेगा और शेयरिंग फोर्सेज जो है इसके ऊपर जो अप्लाई होने वाली है उसे काउंटर करेगा। इसलिए इसे कहा जाता है कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। ठीक है, तो इसका शेप कैसे चेंज हो सकता है, है ना? फेल्यूर कैसे हो सकता है? इसका फेल्यूर ऐसे ही हो सकता है कि बस यहां पे ज्यादा फोर्सेस आने की वजह से ये आगे की तरफ झुकेगा, लेकिन हमारा ये जो हील स्लैब है ये इसे काउंटर कर देगा। इसलिए ही इसे जो है वो ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल से थोड़ा ज्यादा मजबूत बताया जाता है। और इसकी जो हाइट है वो लगभग 10 मीटर तक हम लोग रिटेनिंग वॉल बना सकते हैं अगर हम लोग जो है वो कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल बना रहे हैं तो। अप टू 10 मीटर तक इसे बनाया जाता है। आगे चलते हैं, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल को थोड़ा और अलग अंदाज में देखते हैं। यहां पर आप लोगों को और बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी इस इमेज से। ये हमारी रिटेनिंग वॉल है, ये हमारा अर्थन स्टार्टर है। अब ये सॉइल है, अर्थन स्टार्टर है, तो ये बीच में ये ग्रेवल्स क्यों दिए गए हैं? यहां पर आप देखोगे ग्रेवल बैकफिल फॉर ड्रेनेज लिखा हुआ है और यहां पर जियो टेक्सटाइल फैब्रिक लिखा गया है। ऐसा क्यों? जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे ही बारिश का मौसम होगा तो क्या होगा, उसके ऊपर लोड बढ़ेगा और सॉइल इरोजन होगा। तो यहां भी हो सकता है वो लोड यहां भी बढ़ेगा, तो हम लोग क्यों ना उस लोड को रिलीज करने का कुछ इंतजाम कर देते। तो हम लोगों ने यहां पे जो है विप होल्स को प्रोवाइड किया। यहां पर आप लोग देख रहे हो ड्रेन होल्स, या फिर आप लोग इसे विप होल्स भी के नाम से जानते होंगे। अब ये जो विप होल्स है इसमें से क्या होगा, अगर बारिश का पानी आएगा तो वो जो पानी है वो इसमें से निकल जाएगा, तो वो जो लोड आ रहा है, वो जो पानी की वजह से जो लोड बढ़ रहा है वो रिलीज हो जाएगा। लेकिन पानी के साथ साथ इस विप होल्स में से जो है वो सॉइल की भी आने की पॉसिबिलिटी है, तो क्यों ना उसे भी रेजिस्ट किया जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उससे बड़े साइज के हम लोग यहां पर ग्रेवल्स प्रोवाइड करते हैं और उस बीच में जो है वो जियो टेक्सटाइल एक फैब्रिक का यूज किया जाता है ताकि जो मटेरियल है वो पूरी तरह फिल्टर आउट होते हुए सिर्फ और सिर्फ पानी ही हमारे जो है विप होल्स में से बाहर आए और लोड को रिलीज करे। कुछ इस तरीके से काम करती है हमारी रिटेनिंग वॉल। अब जो मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम लोग काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल के बारे में भी पढ़ेंगे, कुछ इस तरीके से दिखती है हमारी काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल। यहां पर हम लोगों को सिर्फ ये सेम रिटेनिंग वॉल है, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल है, इसमें भी टो स्लैब है, इसमें भी स्टेम है ना, लेकिन इसमें ये काउंटर फोर्ट अलग से प्रोवाइड किए जाते हैं। ये काउंटर फोर्ट अलग से प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि ये ज्यादा मजबूती इसे दे सके। अब ये ज्यादा मजबूती मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग एक्स्ट्रा सपोर्ट दे देंगे कुछ इस तरीके से काउंटर से, तो जो मटेरियल है उसे ये आसानी से काउंटर कर पाएगा और रिटेन कर पाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग जो है काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल प्रोवाइड करते हैं। अब काउंटर फोर्ट जो रिटेनिंग वॉल होती है ये कब यूज की जाती है, जब 8 से 10 मीटर के ऊपर हमें रिटेनिंग वॉल प्रोवाइड करनी होती है तब हम लोग बिल्कुल यूज करते हैं हमारी काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल को, 8 से 10 मीटर से ज्यादा के लिए। ठीक है, 8 से 10 मीटर से ज्यादा के लिए अगर हमें कोई रिटेनिंग वॉल यूज करनी है तो हम लोग कौन सी करेंगे, हम लोग यूज करेंगे हमारी काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल। अब ये काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल है तो इसमें सॉइल स्टार्टा कौन से साइड होता है, सब लोग इसी पर कंफ्यूज होते हैं कि जो सॉइल स्टार्ट है, आप लोग मुझे खुद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कौन से साइड इसका अर्थन सॉइल होगी। यहां पर आप लोगों को काउंटर फोर्ट दिखाई दे रही है, तो काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल में यहीं पर अर्थन सॉइल होती है, इस हिस्से में अर्थन सॉइल होगी जहां जिस हिस्से में काउंटर फोर्ट्स दिए गए होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल में अर्थन सॉइल के साइड ही काउंटर फोर्ट्स दिए जाते हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। अगली देखेंगे हम लोग कि बटरेस रिटेनिंग वॉल। अब ये बटरेस रिटेनिंग वॉल आप लोग देख रहे हो ये भी सेम काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल जैसी होती है। बहुत बार आप लोग गूगल भी कीजिएगा काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल को तो वो भी जवाब देगा काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल और बटरेस रिटेनिंग वॉल, लेकिन ये गलत है। ये गलत क्यों है, क्योंकि दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है।
काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल में जिस साइड काउंटर्स होते हैं उसी साइड अर्थन स्टाटा को दिया जाता है, लेकिन हमारी बटरस रिटेनिंग वॉल में उल्टा होता है। बटरस जो होते हैं हमारे वो अर्थन सॉइल के अपोजिट होते हैं, अर्थन सॉइल यहां होती है। ठीक है, तो अब आप लोगों के लिए एक सवाल कि ये दो वॉल आप लोगों को नजर आ रही है, अगर अर्थन सॉइल इस साइड है तो ये कौन सी रिटेनिंग वॉल हुई, और अगर ये हमारी बटरस रिटेनिंग वॉल है तो इसमें अर्थन सॉइल किस साइड होगी। तो चलिए मैं आप लोगों को बता दो, कमेंट करिएगा सभी। ये हो गई हमारी काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल, क्योंकि जिस तरफ काउंटर है उसी तरफ अर्थन सॉइल है। अब यहां देखिए आप लोग, ठीक है, अगर ये बटरस रिटेनिंग वॉल है तो इसमें अर्थन सॉइल किस साइड होगी, काउंटर फोर्ट के अपोजिट साइड, इस साइड अर्थन सॉइल होगी। तो इंजीनियर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था जो आप लोगों को समझना चाहिए काउंटर फोर्ट और बटरस रिटेनिंग वॉल में। तो इंजीनियर्स होप करता हूं मैं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी। आप लोगों के लिए और भी ऐसे इंफॉर्मेटिव और टेक्निकल वीडियोज मैं लाता रहूंगा। जाने से पहले आप लोगों के साथ कहना चाहूंगा कि करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरु जी के साथ।